बिहार के शिवहर में कोरोना टीका लेने वालों को इनाम में सोना चांदी से लेकर गैस कनेक्शन पंखा तक मिल रहा है। टीका लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए ये नायाब तरीका निकाला है शिवहर जिले के डीएम साहब ने। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर में कोरोना वैक्सीन का टीका लेने वाले लोगों को सोना चांदी से लेकर गैस कनेक्शन तक इनाम में मिल रहा है, जिसके बाद से वैक्सीन लगवाने के डर के साथ ही सारा दर्द भी छू मंतर हो जा रहा है। शिवहर के डीएम सज्जन आरएस ने कोरोना का टीका लगवाओ इनाम पाओ वाला ऐसा अनोखा स्कीम निकाला है, जिससे शिवहर में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की लाइन लग गई है। दरअसल शिवहर में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार में तेजी लाने के लिए जिले के डीएम सज्जन राजशेखर ने कोरोना का टीका लो इनाम पाओ वाला नायाब तरीका अपनाया, जिसके बाद कलेक्टर साहब ने जिले के सामाजिक संगठन, कारोबारी और स्पॉन्सर के साथ मिलकर 45 साल से ज्यादा उम्र के 6 लोगों को टीका लेने के बाद कई तरह के इनाम दिए। लकी ड्रॉ स्कीम के तहत भोला प्रसाद को सोने का सिक्का मिला तो जीतू मांझी को गैस का कनेक्शन, इसी तरह से बाकी लोगों को भी इनाम मिला है। डीएम सज्जन राजशेखर के मुताबिक यह योजना अगले 8 सप्ताह तक प्रत्येक शनिवार को चलेगा। हर एक हफ्ते में जो टीका ले रहा है, इन लोगों को स्पॉन्सर लोग सामने आया है, उन लोगों को कुछ लॉटरी के माध्यम से गिफ्ट दिलवाने के लिए। डीएम साहब की लकी ड्रॉ स्कीम बिहार के शिवहर जिले में सुपर हिट है। और कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। कोरोना का असर जीएसटी के कलेक्शन पर भी दिखा। हालांकि लगातार 8वें महीने ये 1 लाख करोड़ से ऊपर तो रहा, लेकिन जो ट्रेंड था उससे कम देखा गया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। देश के सारे राज्यों में उद्योग धंधे बंद होने से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर का असर अब जीएसटी के कलेक्शन पर भी दिखने लगा है। मई महीने में जीएसटी कलेक्शन में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। मई में सरकार के खजाने में जीएसटी से 1,02,000 करोड़ आए। मई में केंद्र सरकार के हिस्से यानी सीजीएसटी 17,592 करोड़ रुपए रहा। मई में राज्यों का हिस्सा यानी एसजीएसटी 22,653 करोड़ रुपए रहा। मई में आईजीएसटी 53,199 करोड़ रहा। अप्रैल में 1,41,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। हालांकि इस साल अप्रैल में जितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था उतना जीएसटी के लागू होने के बाद से कभी नहीं हुआ। राहत की बात यह है कि लगातार 8वें हफ्ते में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। दूसरी तरफ आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 की जीडीपी अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। इसके साथ ही नीति आयोग का कहना है कि जून से अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना है। नीति आयोग ने कहा कि कोरोना के चलते पहली तिमाही की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इसमें सुधार की उम्मीद ना के बराबर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।